व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। एक ऐसी रेसिपी है जिसे कट वड़ा कहा जाता है या वड़ा उसल कहा जाता है, जो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में और इसे खाने में भी बहुत मजा आता है और मानसून के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। इसमें होता क्या है, एक मिसल वाली उसल की रेसिपी बनेगी, तो एक वटाण्याची उसल बनाएंगे हम और साथ ही में एक हमारा जो वड़ा पाव वाला बटाटा वड़ा होता है, जो वड़ा होता है वो बनेगा और फिर इसको साथ में असेंबल करके ऊपर थोड़ा सा प्याज सेव वगैरह डाल के इसको पाव के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे खाने में। और साथ ही में जब भी बनता है तो मैं कट वड़ा पाव बनाता हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये बोनस रेसिपी लास्ट में आपको बताऊँगा। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए एक वाटन तैयार करना है, जो हमारा जिससे कट बनेगा, जो उसल बनेगी उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन अच्छे से गरम कर लीजिए। पैन एक बार गरम हो जाए उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल, 1/2 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ये सारी चीज़ों को अभी अच्छे से मिला लीजिए और मीडियम हीट पे आपको इन्हें भूनना है। अच्छे से भून लीजिए जब तक कि सारे मसाले अच्छे से भून नहीं जाते हैं। एक बार ये मसाले अच्छे से भून जाएं तब इन्हें एक प्लेट में या बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं प्याज और सूखे खोबरे को अच्छे से भूनने वाला हूँ डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर। तो जैसा भरता भूनते हैं, तो 2 प्याज ले लिए मैंने और साथ ही में मैंने 1/2 वाटा यानी कि 1/2 खोपरा ले लिया है, उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर अभी हमको ब्लैक करना है। अब ये पूरा स्टेप जो है ऑप्शनल है, इसके बदले आप प्याज और नारियल को तेल में भी भून के डाल सकते हैं, पर मुझे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस जब तक कि ये ब्लैक हो जाती हैं दोनों चीज़ें, तब तक आपको भूनना है। नारियल थोड़ा सा जल्दी भून जाएगा, जैसे ही नारियल इस तरीके का दिखने लग जाए नारियल को निकाल लीजिए, फिर प्याज को ऐसे कंटिन्यू करके अच्छे से भून लीजिए। एक बार प्याज भी इस तरीके से अच्छे से भून जाए तो प्याज को भी आपको निकाल लेना है, हल्का सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद प्याज और नारियल को दोनों को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए ग्राइंड करने से पहले। अब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में जो मसाले मैंने भुने थे उन्हें भी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब हल्का सा पानी डालकर इसकी आपको एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो आप देख सकते हो एकदम फाइन तरीके से पीस लिया है, हमारा जो वाटन है वो रेडी हो गया है। अभी उसल बनाने के लिए एक बड़ी सी हांडी ले लीजिए, उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून तेल डालना है, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए, साथ ही में 1/2 टीस्पून राई डालकर दोनों चीज़ों को क्रैकल होने दीजिए। अब इसके अंदर आपको 1 मीडियम साइज का प्याज चॉप करके ऐड करना है। प्याज को बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भूनना है। एक बार लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, तब इसके अंदर फ्लेम लो करके 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर कांदा लहसुन मसाला डाल रहा हूँ, जो हमारा कोल्हापुरी मसाला है और इसकी जो रेसिपी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मसाले डालकर आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करते ही आपको ध्यान देना है मसाले जले नहीं, फटाफट से वाटन ऐड कर दो जो हमने अभी बनाया था। वाटन ऐड करते ही अच्छे से स्टर कीजिए और अभी आपको इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि वाटन में से तेल जो है वो अलग से सेपरेट नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से 8-10 मिनट के लिए भुना है इस मसाले को और तेल भी एकदम अलग हो गया है, कलर चेंज हो गया है, टेक्सचर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पर हमें वटाना ऐड करना है, वटाने यानी वाइट पीस। तो 1 कप वटाने को मैंने 7-8 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रखा था। भिगोने के बाद इसका पानी निकाल दीजिए और पानी निकाल के इस सोक्ड वटाने को इस वाटन में ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आप इसके अंदर अभी गर्म पानी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2 लीटर गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से आपको मिला लेना है सारी चीज़ों को, स्टर करके इसको एक बॉइल पे ले आना है। एक बार ये बॉईल पे आ जाए, इस स्टेज पर आपको इसको ढक देना है और ढक कर फ्लेम एकदम लो कर देनी है। लो करके आपको कम से कम 1/2 घंटा अच्छे से इसको पका लेना है, ताकि आपका जो वटाना है वो भी पक जाए, हमारी जो उसल है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो अब 1/2 घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। 1/2 घंटे के बाद आप देख सकते हो कैसे ऊपर तर्री आ गई है, कट आ गया ऊपर, और साथ ही में वटानों को भी चेक कर लेते हैं। वटाने भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो हमारी जो उसल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इस स्टेज पर बस टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए,
नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक ऐड कर दिया है, साथ ही में एक नींबू का रस और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारी उसल वड़े की जो तर्री है या जिसे कट कहा जाता है या हमारी वटान्याची उसल जो है वो रेडी हो गई है। तो हमारी उसल अभी रेडी हो गई है, या इसे कट भी कहा जाता है या तर्री भी कहा जाता है, वो रेडी हो गई है। आज हमने वटाने यूज़ किए हैं क्योंकि मुंबई में जहाँ भी मैं ये खाता हूँ वहाँ वटाने यूज़ किए जाते हैं और मुझे वटाने ही ज़्यादा पसंद है। आप मटकी भी ऐड कर सकते हो बट मैं प्रेफर करता हूँ इसमें वटाने ऐड करना। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें वड़े बनाने, जो वड़ा पाव के लिए वड़ा होता है वो वड़ा बनाना है और फिर उसको हम लोग बाद में असेंबल कर पाएंगे। तो वड़ा कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर वड़े का बैटर तैयार कर रहा हूँ। तो एक बोल के अंदर 2 कप बारीक वाला बेसन, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून अजवाइन ऐसे थोड़ा सा मसल के ऐड कर दीजिए और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड कीजिए और विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको एक सेमी थिक बैटर बनाना है। एक बार बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से आ जाए, एक कोटिंग कंसिस्टेंसी और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बस 1 से 2 मिनट के लिए हाथों से या एक विस्क से इसको अच्छे से फेंटना है। आपको थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट करनी है। बस 1 से 2 मिनट तक आप फेंट लोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो बैटर एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अभी इसे आपको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करना है या जब तक आप वड़े की तैयारी कर रहे हो तब तक इस बैटर को रेस्ट कर लीजिए। वड़ा बनाने के लिए पहले एक पेस्ट तैयार कर रहा हूँ। 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक और 1 चुटकी भर नमक डालकर इसको अच्छे से कूटना है। हमाम दस्ते पे यहाँ पर कूट रहा हूँ, एक खड़ा बना रहा हूँ, एक ठेचा बना रहा हूँ जो हमारे वड़े के मसाले में जाएगा और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। एक मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं इसको पीसने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारी जो पेस्ट है वो रेडी हो गई है। अब वड़े के बैटर को पका लेते हैं। तो एक पैन को अच्छे से गर्म करके 1 टेबलस्पून तेल इसमें ऐड कीजिए, 1 टीस्पून ज़ीरा, साथ ही में 1 टीस्पून राई, 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1/4 टीस्पून हींग। अब 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो बॉईल करके मैश करके ऐड कर दीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी भर गरम मसाला, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब जो हमने पेस्ट तैयार की थी लहसुन और मिर्ची की वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1 टीस्पून नींबू का रस यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब एक पोटैटो मैशर यूज़ करके अच्छे से सारी चीज़ों को साथ में मिला लीजिए, साथ में मैश कर लीजिए जब तक सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करके एक साथ मिला लिया है। इस स्टेज पर टेस्ट करके नमक चेक कर लेते हैं। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए और ये हमारे वड़े का जो मिक्सचर है वो अब रेडी हो गया है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए शेप करने से पहले। एक बार आपका ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए तो अपने हाथों पे हल्का सा तेल लगाइए। अब थोड़ा सा ये आलू का मिक्सचर ले लीजिए और एक बॉल तैयार कर लीजिए अपने हाथों में। एक बार ये बॉल तैयार हो जाए तो इसको हल्के हाथों से अपने पाम्स के बीच में हल्की सी ऐसे टिक्की बना लेनी है, थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। इस तरीके से जब फ्लैट हो जाए तो सारे वड़े इस तरीके से शेप कर लीजिए। एक बार आपके वड़े शेप हो जाए तभी इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम करके रखा हुआ है, मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए आपका। एक बार तेल आपका गरम हो जाए तो वड़े को बेसन के बैटर में डिप कीजिए, अच्छे से कोट कीजिए और धीरे धीरे इस तेल में ऐड कर दीजिए। 4-5 वड़े एक साथ से आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही में फ्राई कीजिए जब तक कि ये क्रिस्प और थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हो वड़ों को मैंने मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लिया है। हमारे गर्मा गर्म वड़े रेडी हो गए हैं। तो उसल बना ली है, गर्मा गर्म वड़े भी रेडी हो गए। इन वड़ों को आप वड़ा पाव जैसे भी खा सकते हो तो वो भी तैयारी हो गई है। तो जब भी कट वड़ा या उसल वड़ा बना रहे हो तो वड़ा पाव भी कर लो, मिसल भी खा लो, कट वड़ा भी खा लो, सारी चीज़ों का मज़ा एक साथ ले सकते हो। एक टिप दे रहा हूँ आपको। तो हमारे तो कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं, अब इसे असेंबल कर लेते हैं वाईफल स्टाइल।
देखा आपने किस तरीके से बनता है उसल वड़ा या कट वड़ा, और इस रेसिपी को इस मॉनसून सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब भी आप ये बना रहे हैं तो मिसल भी खा सकते हैं, वड़ा पाव भी खा सकते हैं, कट वड़ा पाव भी खा सकते हैं, कट वड़ा भी खा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें एक मॉनसून पार्टी कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। हम यूजुअली YFL स्टूडियो में ऐसी जब भी रेसिपी शूट करते हैं मॉनसूनस के टाइम पे, तो पूरी टीम एक साथ मिलके सारी चीज़ों को एंजॉय करती है और हमें बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल उसल वड़ा रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।